चलने का साथ ही है। ये काम बढ़ जाएगा। कान क्यों फटेगा? तुम्हारे साथ देने के लिए आई हूँ ना, इसलिए लेकर आई हूँ मुझे तुम्हारा साथ देने के लिए। तो अपने दो बंगले मेरे नाम कर दो जो डिफेंस वाले डीएचए में रखा हुआ। इसकी सारी चाल ही यही थी, मुझे अब समझ आई। तुम सब मिले हुए हो, मैं तुम सबके खिलाफ बोलूंगी, एक एक सबूत लेकर आऊंगी तुम सबके खिलाफ। अरे जाओ जाओ, जो कर सकती हूँ कर लो, तुम जैसों को मैंने बहुत देखे। बड़ी आई मेरे खिलाफ बात करने वाली। एक एंकर ने भी मेरे बारे में बात की थी, मैंने उसकी ये मुंह बंद की ना कि उसके बेटे तक को मैंने नहीं छोड़ा। तुम थी उसके पीछे? हाँ हाँ मैं थी। ऐसे ऐसे रूच ये मैडम उसने ये मुझे मस्ती ना लगाओ, खूबसूरत बहुत है। जो बात जो कमिटमेंट किए वो पूरी करो ना। तुम्हें बंद कमरे से बाहर आना है या नहीं आना? दिल की तुम दिल की अच्छी हो मेरी फिक्र अपनी मेरी अल्लाह
अस्सलामुअलैकुम जी, मेरे सर के ताज, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैंने कहा कि आपके हाल चाल ले लूं। मेरे पास क्या है, सब कुछ तो तुमने ले लिया, अब क्या रखा है मेरे पास? बहुत कुछ है आपके पास, और क्या इरादा है मेरे बारे में? मेरे पास क्या है और मैं क्या बताऊं कि तुम क्या हो? तुम खुद जानती हो कि तुम हो क्या। इरफान साहब, मैंने कहां पहुंचाया आपको? आप मुझे गलत समझ रहे हैं। क्या बताऊं मैं कि मैं तुमने मेरे साथ क्या किया? कैसे समझाऊं मैं आपको, आज तक आपने मुझे पहचाना ही नहीं है। मैं तो आपकी अपनी हूँ ना, कैसे आपके साथ धोखा कर सकती? आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं आपके साथ बेवफाई नहीं कर सकती। बेवफा तो तुम हो, क्योंकि तुम खूबसूरत हो, और जो खूबसूरत होता है वो बेवफा भी होता है। और तुम क्या कर रही हो तुम अच्छी तरह से जानती हो, और तुम वो सब कुछ कर रही हो जो तुम चाहती हो। तो जभी तो आपके पास आई हूँ आपसे मिलने, पूछने। तुम्हारी आंखों में कुछ नजर आ रहा है। क्या मतलब है आपका? मतलब तुम अच्छी तरह से जानती हो, मेरा तो कोई मतलब। दौलत के बिना गुजारा कहाँ है ये बताएं आप। दौलत को जानती हो तुम पुजारन, लेकिन प्यार को नहीं जानती। प्यार क्या है, और उस दौलत के चक्कर में तुमने मुझे नशे का आदि बना दिया है। अपना मकसद हासिल करने के लिए तुमने मुझे मरीज बना दिया है। मैं अपने होश में नहीं रहता। मैंने धोखा नहीं दिया, किस तरह समझाऊं मैं आपको? आई क्यों हो? वो तो मुझे आपकी नौकरानी लेकर आई थी ना, तो इसलिए मैं आई थी। मैंने कहा पता ही नहीं क्या मसला है। पक्की धोखेबाज हो तुम, तुमने धोखा दिया है मुझे। मैंने धोखा नहीं दिया, मैं कैसे समझाऊं आपको? धोखा आपकी नौकरानी दे रही है, उसे ये नहीं पता है कि मैं आपसे प्यार करती थी पहले। ठीक है, हमारी लव स्टोरी चली है पहले। कि आप मेरे आशिक हुए हो। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे प्यार को धोखा दिया। मैं कितना प्यार करता था तुमसे, वो करता हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ गेम खेल रही हो। सब जानता हूँ तुम्हारी गेम को, अच्छी तरह से जानता हूँ। गेम? कैसे गेम खेला? जैसे लोग खेलते हैं। मुझे तो नहीं पता, बताए आपने क्या गेम खेला है मेरे साथ? नहीं बताए, बताए क्या गेम खेला है मेरे साथ? अकेले में खेला है। अकेले में? ऐसा क्या किया है? देखे आप, ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं कीजिएगा मेरे साथ। मैं आशिक था तेरा, और तूने मेरी आशिक को ठुकरा दिया, और मेरे साथ। मैं सबके सामने खुलकर नहीं आ सकती कि मैं आपकी वाइफ हूँ, पॉलिटिकल्स में मेरा नाम खराब हो जाएगा। आपकी वजह से पॉलिटिक्स में मेरा नाम खराब हो जाएगा। अभी तक आपने शुरू से लेकर एंड तक यही जिद बानी हुई है। तुम मुझे शतरंज का मारा बनाकर जो गेम खेल रही हो वो तुम अच्छी तरह से जानती हो। देखें आप, ये बात मेरे और आपके बीच तक रहनी चाहिए, क्योंकि मेरा नाम बदनाम हो जाएगा आपकी वजह से, जो कि मैं नहीं चाहती। और आज अकेले मिलने इसलिए आई हूँ क्योंकि आपकी जो नौकरानी है उसने पूरी जायदाद आपके उसने अपने नाम लिखवा लिया, क्योंकि उसने उस दिन ये कहा था ना कि तुम्हें क्या क्या चाहिए, इसीलिए मैंने कहा कि आपके दो बंगले वो मेरे नाम कर दे, क्योंकि उसने आपके जायदाद पे अपना नाम लिखवा लिया, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ। इसी दौलत के लालच में तूने मुझे कैद कर लिया है। कैद, मरीज बना दिया है। कैद करने की भी आपको कोई बड़ी वजूहत रही है?
ये जो बंद कमरे में आपको रखा है ना, नहीं रखती ना तो आपको लोग मार देते। अब तक जो आप ये जिंदा बैठे हुए हैं ना, तो आप नजर भी नहीं आते। मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपसे प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी जान ले लूं। आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही मुझसे प्यार करते हैं? मैं आपसे नहीं करती, मैं आपसे करती हूँ जब इसलिए आ जाई हूँ आपके पास। बोलना तो तुमसे सीखे। ओफ, कैसे समझाऊं? किस डटाई से झूठ बोलती हो तुम? नशे का आदि बनाकर तूने मुझे धोखा नहीं दे रही हूँ। अब कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मोहब्बत करती हो तो मुझसे। मोहब्बत का ये मतलब होता है कि नशे का आदि बनाकर कैद कर दो बंद कमरे में, मेरी पसंद की लिपस्टिक लगाकर मेरे साथ। जी जी, आपकी पसंद की लिपस्टिक लगाकर आई हूँ क्योंकि मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ। आपको बहुत पसंद है ये लिपस्टिक के कलर, मैं बहुत अच्छे से और ये ड्रेस भी आपकी पसंद की जो आपने मुझे दिलाया था। नागन बनकर मुझे डस लेती हो। पर आप मुझे ही गलत समझ रहे, अफसोस तो मुझे इस बात की। एक सोचता हूँ, नशा तुमने लगाया, बहुत पछताओगी तुम। मुझे समझ नहीं आ रही आप बार बार ये बात क्यों कर रहे हैं। मैं पछताऊंगी क्योंकि तुम काम ही ऐसा कर रही, पछताओ। मैंने आपके लिए भला सोचे और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं पछताऊंगी, पर मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वैसे तुम हो बहुत खूबसूरत, खूबसूरत नागर। मैं भी आपको नहीं छोड़ सकती, इसीलिए आज आपके पास आई हूँ। सोने की कान को कौन छोड़ सकता है? क्योंकि ये बात इस कमरे के हद तक ही रहनी चाहिए, वरना तो मेरे नाम, मेरे रेपुटेशन, पॉलिटिकल स्टेट खराब हो जाएगा। मेरे साथ रहकर तेरी पोजीशन खराब होती है और गंदे लोगों के साथ दिन भर घूमती है, उनसे बातें करती है, उनके साथ रहती है। और मैं शौहर हूँ और मेरे साथ रहकर तेरा इमेज खराब, जिंदगी और मौत अल्लाह की, पोजीशन खराब होती है। कमाल है, क्या बीवी कहती है अपने आप को तुम? क्या कहती है? खुद गरज की पुड़िया हो तुम, खुद गर्जी की पुड़िया। छोड़ दे ये सियासत, कुछ नहीं। ओहो, सियासत मैं नहीं छोड़ सकती, मैं कैसे समझाऊं? ये तो आपको मेरी बात ही नहीं समझ आती। पॉलिटिकल्स नहीं छोड़ सकती, वो मेरी पहचान है, मेरा नाम है, मेरा प्यार है, बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए, मैं आप एक की वजह से उन सबको नहीं छोड़ सकती। तो फिर मुझे छोड़। उनके साथ साथ आपको भी नहीं छोड़ सकती। झूठी मोहब्बत करती हो तुम। आप मेरी मोहब्बत है, मैं आपके साथ हूँ। मेरे साथ नहीं बल्कि मेरी जायदाद के साथ हो। सिर्फ अपनी पॉलिटिकल्स की वजह से मैं बंधी हुई हूँ, इसीलिए आज मैं अपने गार्ड के साथ ही हूँ। आज मैं खुद अलोन आई हूँ आपके से मिलने। देख लेना, ये सियासत तुझे एक दिन ले डूबेगी, बदनाम कर देगी। इस लिबास में तुम बीवी नहीं बल्कि कुछ और लगती हो। जीन्स टी शर्ट पहनना बुराई क्या है? इसमें बुराई कुछ नहीं है, इंसान की नीयत खुद अच्छी होनी चाहिए, इंसान खुद अंदर से अच्छा होना चाहिए। आज मैं यहाँ पे हूँ तो आज मैं शलवार कमीज भी पहन ली। मैंने तुझे क्या कुछ नहीं दिया, क्या क्या शॉपिंग नहीं कराई? पाकिस्तान तो क्या मैं दुबई से दूसरे मुल्कों से शॉपिंग कराई? ये मेरी मोहब्बत थी और मैं कितना खुश रखता था तुझको। मैंने तो तुझे कोई धोखा नहीं दिया, मुझे तो तुझसे कोई गरज नहीं थी। एक तू है जिसने मुझे मोहब्बत का झांसा देकर मेरी दौलत को हड़प करने की कोशिश की। तूने तो मुझे एहसास दिलाया कि तू मुझसे प्यार नहीं करती बल्कि मेरी दौलत से करती है। याद रख कितना मैं मान रखता था तुझ पर, तू जो कहती थी मैं तुझे दिलाता था, ला कर देता था और कहता था ये लो चेक और तुम खुद खरीद लो जो चीज चाहे। लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी मोहब्बत को धोखा दिया और दौलत हासिल करने के लिए, मेरी जायदाद हासिल करने के लिए
मेरी जागीर हासिल करने के लिए तुमने मुझे नशे का आदी मैं तो आपका इलाज कर रही हूँ। कौन कौन से नशे तुमने करवाए? टेबलेट तुमने खिलाई, शराब तुमने? मुझ पे शक कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है, आप यकीन रखिए मैं आपको सेव कर रही हूँ। इंसान फिर उसी चक्कर में रहता है, उसी नशे को हासिल करना चाहता है, लेकिन मैं इतना नशे से दूर रखिए अपने आप को। मैं तो आपके इलाज करने के लिए आपको टैबलेट देती हूँ कि आपका माइंड फ्रेश रहे, आप टेंशन में नहीं आए, डिप्रेशन पे ना जाए। बीमार बन गया और तू मेरे हाथों में हाथ रखकर कितना प्यार करती थी, आज अब पता चला कि तू मेरे दौलत से प्यार करती है। मेरा सर फटा जा रहा है। मैं आपकी दौलत से नहीं, मैं आपसे प्यार करती हूँ, पर आप मुझ पे शक कर रहे। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको किस तरह समझाऊं? आप मेरी मोहब्बत है, आप मेरा प्यार है, और ये सब कुछ मैं आपकी जान बचाने के लिए कर रही हूँ। अपनी जागीर को देख सकता हूं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आपसे इस हालत में मुलाकात होगी। मैं परेशान हो गई आपको देख कर। न बाहर जा सकता हूँ, न किसी से मिल सकता हूँ। आपको किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना आपके साथ। दो बात करता हूँ और कोई बात नहीं। वो मैंने आपके भले के लिए आपको यहाँ पे बंद किया था, क्योंकि मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपकी दुश्मन नहीं हूँ, आपका प्यार है। तुम बहुत जालिम औरत है, तुमने मेरे प्यार में मुझे मरीज बना दिया है। बहुत पछताएगी तुम, बहुत पछताएगी। आज मेरे साथ जो कुछ कर रही है ना, कल तेरे साथ भी होगा। हंसती बहुत हो तुम, इसलिए कि जानती हो मुझे तुम्हारी हंसी अच्छी लगती है, लेकिन मैं अब तुम्हें समझ गया हूँ। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि आप बंद कमरे में इतनी ज्यादा नशे करने शुरू कर देंगे। मैं तो खुद इस बात से हैरत हूँ। प्यार नहीं चाहती, दौलत। चले ठीक है, तुम्हारी सारी बातें जो मैं सुन रहा हूँ, नहीं भी सुन रहा, लेकिन मैं यही बात समझता हूँ। ये तो आपको भी पता है ना कि मैं किसी से नहीं डरती, मेरी इज्जत बहुत बड़ी चीज है, रेपुटेशन, मुझे अपने इस चीज का बड़ा ख्याल है। मेरी इज्जत ये मेरे लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन मेरी मोहब्बत भी। मैंने तो कहा कि मुझे छोड़ दें आप। आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं आपके पास हूँ, आपके साथ हूँ। तुमने मेरे साथ क्या किया है और क्या कर रही है? अब भी तेरी खूबसूरती को बहुत चाहता हूँ। मैंने सिर्फ आपकी जान बचाने के लिए इस कमरे में बंद किया। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? सिर्फ मैं अपनी पार्टी की वजह से बंधी हुई हूँ, वरना मोहब्बत मैं भी आपसे कम नहीं करती। धोखा कैसे समझाऊं मैं आपको कि मैं आपसे प्यार करती, इसीलिए आपको इस बंद कमरे में रखा हुआ है। खूबसूरत बाल है, मुकम्मल खूबसूरत। आज भी आप वैसे ही हैं, नहीं सुधरेंगे आप कभी। आता है, लेकिन तू एक नागन भी है जो मुझे टस रही है, मरीज बना दिया। आपकी मोहब्बत ने तो मुझे लीडर बनाया। मेरी जागीर को हजम करना चाहती है, लेकिन क्या करूं मैं? दीवाना हूं मैं तेरा, जानते बूझते भी मैं तेरे लिए पागल हूं, पागल हूं, पागल। चले मैं पागल। चलती हूँ, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। पागल, पागल कर दिया है। अब मुझे बोतल चाहिए, बोतल। हाँ, नशा मेरा साथी है, नशा मुझे समझता है, बोतल मुझे प्यार करती है, बोतल मुझे प्यार करती है।
मैं जब बोतल पीता हूँ तब बेहोश में नहीं रहता।